कहाँ पे गए हो? वो बुरा है कि बैक गेट से एंट्री है, बैक गेट के ऊपर बाइक लगा रहेगा जोमेटो वालों का, उधर से भी एंट्री है। दूसरा इधर से अपनी चले जाते हैं ना, और से सर होल्ड इधर ही मैं भेजू क्या मैम? साथ में आइए ना, साथ में नहीं डायरेक्ट रोड पे। वैसे तो रोज ही मिलते हैं, लेकिन वही बात होती है सेट पे मिलना और एक ऐसे मिलना जहाँ पर आपका एक पार्टी टाइप है, ये आपका एक अलग माहौल होता है। क्योंकि अब शोज जैसे हैं मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे नहीं है, लेकिन रोज के शोज हैं, तो मतलब सब चीज़ें बड़ी बहुत पैक रहता है पूरा, उसके बाद में किसी का चांस नहीं होता मिलने क्या। रिटर्न मिस चल रहा है, हवाएं चल रही हैं, गाने चल रहे हैं, आई थिंक इवन आई स्टार्टेड एंजॉयिंग दैट मोर देन सामने सामने वाले सीन। चलो थैंक यू, चीयर्स मैन। सॉरी आते मित्र बोले पकड़ लिया। Wait.
पहले बाइक करते ज्योति परिवार में आता है तो खुशी होता है चाहे वो कौन सा भी परिवार लेकिन मुझे आदत है ना बहुत सारे परिवार में रहने की लेकिन फिलहाल जी परिवार मेरा परिवार है सो मेनी फ्रेंड्स आउट देयर मैं मिलता रहता हूँ रोज शोज का तो हमारे सेट पर ही है मतलब सेम कंपाउंड में ही शूट होता है सो आई की मीटिंग शब्बीर ऑल्सो होता है सो या लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट हाँ रोमांस अभी शुरू हुआ है सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी और बहुत अच्छे सीन्स आ रहे हैं हम लोग ऐसे ऐसे इश्यूज टच कर रहे हैं जो बेसिकली लड़कियों के लिए और औरतों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जैसे कि सामने का ख्याल से भी एक प्रोमो आने वाला है आप लोग देखोगे इट्स वेरी वेरी स्वीट एंड इंटरेस्टिंग तो और अभी शोज में गए जैसे सामने बाद में पता चला जब किसी ने साथ में वो वीडियो डाला बिकॉज व्हेन वी रीड अ स्क्रिप्ट यू डोंट रियलाइज इट यू जस्ट डू व्हाट इज देयर एंड यू काइंड ऑफ तो मैंने उसमें ही ऐड किया था मुझे तो पता भी नहीं था एंड बट या सो कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो मैंने बोला भी था कि उनको फोन कर यार अगली बार ऐसे मत करो यार वी कैन क्रिएट अ रोल बट इट्स ओके जो हो गया सो थैंक यू